हूँ बरेली शरीफ, बाकी सब चंगा है। ये रहा लखनऊ स्टेशन। इस बैटरी कार में जाना है, टेम्पो में जाना है, तो ये यहाँ से चार है और वहाँ से एक दिखेगा। चलो तो उल्टा कर देंगे, ये उल्टा दी। और ये रहा पूरा क्लॉक टावर। जब तुम्हारी सारी सेना भाग गई, तुम क्यों नहीं भागी? कहना कि मुझे जूते कौन पहनाएगा? 500 रूपये। ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये वजन से ट्रेन स्लो हो गई। और हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद उस्मान गनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजिक 92। तो फाइनली इस बार मैं रवाना हो रहा हूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ये पीछे ट्रेन है, अब मैं जा रहा हूँ बरेली शरीफ। तो इस बार बरेली शरीफ जा रहा हूँ और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां से नैनीताल का भी प्लान है, वहां से दिल्ली जाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया सरकार को सलामी देने का और आप लोगों की सलामी करने का भी प्लान है। आंख आ गई थी, अब तो आंख सही हो गई है, लेकिन ये जो आंख अभी भी आप लोगों को हल्की हल्की भारी भारी दिख रही है, ये नींद की वजह से रात भर के जागे और सुबह में यहाँ भागे। तो गाइज, इस बार बच्चे लोग तो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के हैं एग्जाम्स चालू और मैं जा रहा हूँ शादी में बरेली शरीफ। शादी के बाद सारी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, नैनीताल को भी, दिल्ली को भी, हजरत निजामुद्दीन औलिया को सलाम ही देंगे इंशाल्लाह ताला। सो गाइज, मैं हूँ इस वक्त CSMT रेलवे स्टेशन पर, जिसको पहले CST कहा जाता था, उसके पहले BT कहा जाता था और उसके पहले बोरी बंदर स्टेशन के नाम से ये जाना जाता था। इस स्टेशन ने बहुत सारे नामों को झेला है और बहुत सारे नाम चेंज होने के बाद अब इसका नाम हो चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। हाँ ठीक है, ये देखिए। तो अब सुबह का 8 बज रहा है और कल सुबह 8 बजे हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सुबह 8:25 पर मुंबई से जर्नी स्टार्ट हुई थी इस ट्रेन के थ्रू, जो कि मुंबई लखनऊ है, इसका नाम है पुष्पक। और अब 9:35 पर ये पहुंची है भोपाल। ट्रेन तो काफी अच्छी है, बहुत फास्ट है, लेकिन 4 घंटे से पहले किसी स्टेशन पर नहीं रुकती है। अगर प्रॉब्लम है तो एक नेटवर्क का प्रॉब्लम, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा या फिर 4-4 घंटे के लिए नेटवर्क हो जाता है, बूम। बाकी सब चंगा है। फाइनली पहुंच गए लखनऊ स्टेशन। तो आप लोग सोचते हो ये खाली क्यों है, तो मैं बता दूं कि मेरी पुरानी आदत है भीड़ में नहीं रहने की। मैंने 10 मिनट वेट किया, सारे लोग चले गए, भीड़ खाली हो गई और देखो पूरा स्टेशन खाली हो गया और अब मैं जा रहा हूं। तो ये जो ट्रेन है, IRCTC के स्टाफ जो है वो चाय 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 बोल बोल के तुमको सोने नहीं देंगे। इस ट्रेन के अंदर तुम सो नहीं सकते, इतना चिल्लाते हैं। लखनऊ के इस स्टेशन को छोटी लाइन कहते हैं, बड़ी लाइन जो है ये बिल्कुल उसके अपोजिट में है, जो गेट से बाहर निकलते ही आप वॉकिंग डिस्टेंस है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसी टॉय कार हर जगह चलती हैं, जो लोगों को बिठाकर बाहर मेन गेट तक ले जाती है। कोई कोई उसमें लगेज भी रख लेता है, वरना इसमें लगेज रखना अलाउ नहीं है। इसका सिर्फ 20 रूपया देना होता है पर पर्सन, लेकिन ये लोग कभी कभी 100 रूपया पर पर्सन भी मांग लेते हैं। सो गाइज, फाइनली लखनऊ स्टेशन उतर गए हैं। स्टेशन बहुत अच्छा है और साफ सुथरा, क्लीन लाइन यहाँ की बहुत अच्छी है, सिस्टमेटिक इन्होंने बनाया हुआ है। रेस्ट रूम, टॉयलेट, बाथरूम की सुविधाएं भी दी गई है और ये अंदर से ये सारा देख सकते हैं आप। और अब चलते हैं, मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। ये रहा बड़ी लाइन स्टेशन। तो ये है बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन और ये है छोटी लाइन रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ही आमने और सामने। जिसका आपको ऑटो हो या कुली हो या जो भी हो, 200 से 300 चार्ज कर लेगा अगर आपने उनसे खाली पूछ लिया कि हमको बड़ी लाइन में जाना है। तो सीन ऐसा है कि सारे लोगों को उतरता हुआ देखकर मुझे लगा लखनऊ आ गया है। तो मैंने पूछा कौन सा स्टेशन आ गया, तो लोगों ने कहा कि चारबाग। तो मैं तो बैठ गया, मुझे तो लखनऊ उतरना था। जब सारी ट्रेन के लोग खाली हो गए तब मुझे पता चला कि ये चारबाग जो है लखनऊ को ही कहा जाता है। तो गाइज, सीन अब कुछ ऐसा है कि सुबह में 8 बजे हम लोग उतर गए लखनऊ
अब लखनऊ से बरेली जाने के लिए जो हमारी ट्रेन है वो है 12:30 बजे की, तो इतना जो टाइम का ड्यूरेशन है वो क्या करें। तो मैंने क्या सोचा, मैंने अपनी फैमिली को बिठा दिया पहले से वेटिंग रूम में और सामान वामान अच्छे से रख के उनको पहले रेस्ट करवा दिया, और अब मैंने प्लान किया कि यहाँ नियर बाय में यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 5 किलोमीटर है, एक भूल भुलैया करके, तो चलते हैं। और अब लगी है भूख, तो भूख के लिए एप्पल एक बहुत अच्छा सहारा है जिसको मैंने अपना लिया, आप लोग भी अपनाया करिए, विटामिन है। तो गाइस ये है वो लखनऊ रेलवे स्टेशन, अरे सॉरी बैक कैमरे से दिखा पा तो ये रहा लखनऊ स्टेशन और वो रहा आउटर स्टैंड। इस बैटरी कार में जाना है तो 100 रुपए देने होंगे, इस टेम्पो में जाना है तो 25 रुपए देने होंगे। बैठ गया इसी में और 25 रुपए दे दिए, आगे की सीट ले ली स्टीयरिंग वाली भूल भुलैया, तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें हमको देखने मिलने वाली है। जल्दी भाई सवारी जल्दी। बोल रहे भाई ये इमाम वाला है ना, ये इमाम वाला भूल भुलैया बंद है, बंद है भूल भुलैया, ये 3 बजे खुलेगा। अरे बाबू हाँ हाँ घूमना तो घूमिए, 5 बिल्डिंग सारा घुमाएंगे, पूरा गाइड करेंगे, रिक्शा भी देंगे, टोटल 100 रुपीज लगेगा। जुम्मा है, नमाज का टाइम है, तो भूल भुलैया देखने आए थे, भूल भुलैया तो बंद था, लेकिन अब और जो भूल भुलैया के नियर बाय में एतराफ में इसके जो भी पॉइंट्स वगैरह है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। स्टेशन वैसे घूमने के बाद स्टेशन आपको ये छोड़ देंगे, जी 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 थैंक यू। तो ये भैया ने हमें गाड़ी दिलवा दी, 50 रुपए में घूमना है, 3-4 यहाँ के कोई पॉइंट्स वगैरह है, ब्लॉक टावर वगैरह और कुछ कुछ है, तो ये भैया हमको दिखाएंगे। आशिफुद्दौला जो यहाँ के इनकी जो बेगम थी जिनका नाम था रूमी, उन्हीं के नाम से बना था सामने रूमी दरवाजा, इधर तो देखिए सामने का गेट है ना, दो तीन गेट नजर आ रहे हैं और ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4 मंजिल है, इसको उधर से देखेंगे तो 1 मंजिल हो जाएगा। अच्छा जी, गदर पिक्चर देखी सनी देओल की? हाँ देखिए ध्यान है, किसी को इंडिया पाकिस्तान का लॉ, हिंदुस्तान था वो पाकिस्तान था। अच्छा अच्छा, वो पिक्चर कहाँ? अभी यहाँ से 4 है, वहाँ से 1 दिखेगा, चलो देखते हैं। तो ये तो वाकई में वहाँ से जो था वो 4 मंजिल दिख रही थी और यहाँ से जो है वो सिंगल डोर दिख रहा है वाकई में। तो ये भैया कह रहे हैं कि इसमें 2 चीज खाने वाली बनी है और 1 पहनने वाली बनी है, पहनने तो देखते हैं, खाने वाली और पहनने वाली। आड़े खंबे लगे वो लौंग के लौंग। अच्छा ये जो आड़े आड़े खंबे, हाँ ये अच्छा लौंग है, लौंग के बीच में ऐसे करके पान के पत्ते पत्ते जो नवाब सिराजुद्दौला बहुत शौक से खाते थे। अच्छा, पहनने वाला के बीच की मीनार देख रहे हैं, उस मीनार को नीचे लाइए, इस गेट को ऊपर ले जाइए, तो लखनवी चिकन कुर्ते पजामे गले का डिजाइन मिल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, बराबर, अगर इसको ऐसा उल्टा कर देंगे यूं उल्टा गला बन जाएगा। हाँ तो ये बन जाएगा गला बराबर। कितना लंबा होगा ये? 222 फुट ऊंचा है, ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया अंग्रेजों ने, और ऊपर देखिए लास्ट में एक चिड़िया लगी है, वो हवा का डायरेक्शन बताती है, तो चिड़िया कई फुट की बताइए? ये होगी ऐसी कुछ 3-4 फीट की, 9 फुट की है, 25 किलो की पीतल की है, 9 फीट चिड़िया। और जो घड़ी में सुई लगी है बड़ी वाली 7 फुट की, छोटी वाली 4.25 फुट की। अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया ऊपर वाली कितने फीट की है? 9 फुट की और 25 किलो की ये चिड़िया है, और जो हवा बताती है पीतल की है, वो भी हवा का डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताती है। और ये रहा पूरा क्लॉक टावर, कितना ऊंचा है? 222 फीट का ये क्लॉक टावर। यहाँ के जो पहले नवाब थे जिनका नाम था गयाजुद्दीन हैदर, और आखिरी नवाब थे यहाँ के वाजिद अली शाह,
वाजिद अली शाह कौन थे जिनकी 300 बीवी थी। ओ क्या बात है, अंग्रेज़ एक पालना दुश्वार है, 365 पाल ली उन्होंने। अंग्रेजों ने उनको बदनाम कर दिया था, यह याद शवाब है, इनकी 365 बेगम थी। अच्छा, हकीकत यह है कि उनकी बेगम एक थी जिनका नाम था बेगम महल हजरत पार्क, उनके नाम से लखनऊ का बना हुआ है। बाकी 364 बीवी थी उनकी दासी थी, क्योंकि देखते थे निकाह करके अपनी रानी बना के अपने पास रखते थे। उनका एक बेटा था जिनका नाम था अकरम अली खान, उनके वालिद साहब का नाम था अमजद अली खान। वाजिद अली शाह कौन थे? अंग्रेजों ने मुगल हुकूमत पे हमला किया, आक्रमण किया, जंग हुई अंग्रेजों से, तो वाजिद अली सेना नौकर चाकर अपनी जान बचा के डर के मारे भाग गए थे। लेकिन वाजिद अली शाह नहीं भागे थे, बड़े शतरंज खेल रहे थे, जिनके नाम से फिल्म बनी थी शतरंज की। अंग्रेजों ने उनसे आगे पूछा, तुम्हारी सारी सेना भाग गई, तुम क्यों नहीं भागे? कहने लगे, मुझे जूते कौन पहनाएगा। अच्छा, ये वही वाकया था, ये वाकया हमारा सुना हुआ है कि जूते कौन पहनाएगा, वो गए ही नहीं, यही थे वाजिद अली शाह। आज इनके बारे में पता चला, फिर अंग्रेजों ने उनको रिफर किया कोलकाता, जहां उनके नाम का मटिया ब्रूस में वाजिद अली शाह और उनको छोड़ दिया समाधि, मारा नहीं, वही डेट उनकी हो गई थी बीमारी से। अच्छा, क्या चीज से बनी है ये? शहद, चूना, गुड़, उड़द की दाल। अच्छा, मसालों को मिक्स करके इसका प्लास्टर हुआ है। उस जमाने में मोरंग सिर में बालू रेत नहीं होती थी जिसका उपयोग किया जाता था। अच्छा, हम लोगों ने फ्रंट से देखा थे, अंदर से तो भूल भुलैया देखने नहीं मिला, ये बैक साइड है, इसी से काम चला लेते हैं फिलहाल। भूल भुलैया के 1024 रास्ते हैं, 84 एक्सप्रेस जो आपको भूल भुलैया के कितने रास्ते? 1024 रास्ते हैं भूल भुलैया में, और 84 जीने जो ऊपर चढ़ना पड़ता है, 84 सीढ़ियां है, नीचे माम बाड़ा है, ऊपर भूल भुलैया है। क्या बात हुआ, इसका नाम है सतखंडा। सतखंडा, ये मोहम्मद अली शाह नवाब ने बनवाया था अपनी बेटी के लिए, ईद और मुहर्रम का चांद देखने के लिए, इस पे चढ़ के वो चांद देखेंगे। लेकिन जब वो बनवा रहे थे उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो इसको चार माले का बना के अधूरा छोड़ दिया गया, इसको मनूस करार दे दिया गया। अच्छा, अभी क्या होता है, किसी गरीब लड़की की महल्ले में शादी आदि होती है तो उसके पास गेस्ट हाउस लेने का पैसा नहीं होता है, तो उसको दिया जाता खाना हाउस गरीब का, इसमें हो जाता है। लखनऊ की सिर्फ चार चीजें फेमस है, बताइए। लखनऊ की एक तो नवाबियत फेमस है, यहाँ के नवाब पहले नंबर पे, यहाँ की तहजीब जो बहुत ज्यादा पहले आप जनाब फेमस है यहाँ की, वाकई में। तीसरे नंबर पे इमाम बाड़ा भूल गए जो आप घूमने आए थे बंद है। हाँ। तीसरे नंबर में चिकन यहाँ खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। अच्छा। पहनने वाला चिकन आप खा नहीं सकते, तो खाने वाला चिकन आप पहन नहीं सकते, इसीलिए कहा कि आप मुस्कुराइए लखनऊ में। और चौथे नंबर पे यहाँ की रेवड़ी जो मिठाई होती है स्टेशन मिलेगी वो मशहूर है। खाने वाला चिकन अमीनाबाद टुंडे कबाब पराठे मशहूर है, इदरीस की बिरयानी, रहीम की कुल्चे नारी, दस्तर खान होटल। पहनने वाला चिकन अभी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे लखनऊ की लड़कियाँ काम करती हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। कहा यहाँ से? ओनली वाश है, इसको मेंटेन नहीं करना, नीचे ये साफ कर दो साल में कोई परेशानी होगी पहना वो पीस चेंज कर देंगे। अच्छा, कोई रिंकल नहीं पड़ता है, ये 850 आपको पड़ेगा। कितने बोले इसका? 450 वो भी खाली कमीज है ना कुर्ती? हाँ। पहनेंगे तो सही, कलर भी काफी सारे इसमें, लेकिन पीछे दिखाई थोड़ा खुलिए, पीछे भी है। 500 रुपए में वैसे ही है उसमें, ये मोटे हैं कपड़े, जरूरत नहीं। ये कितने के? 500 रुपये। सब चीजें तो एक्सप्लोर कर ली, कवर कर ली, अच्छा लगा, मजा आया सुनकर भी। हिस्ट्री जानने के बाद है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आती है हिस्ट्री सुनकर। तो जब उस जमाने में वो सब चीजें खुद से देखते होंगे लाइव, राजी रानी राजा नवाब ये वो, तब लोगों को कितनी मजा आती होगी। अब हो गया लेट, 11:30 बज गया, 12:30 बजे की ट्रेन है और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है स्टेशन। ये है चौक, ये पूरी मार्केट है चिकन ड्रेसेस की, चिकन कपड़ों की पूरी मार्केट आ रखी है यहाँ पर। तो आपको अगर शॉपिंग करना है लेडीज जेंट्स तो यहीं से करिएगा चिकन सूट की। जाते टाइम बैटरी वाले लोग 100 रुपये मांग रहे थे, ऑटो में चले गए 25 रुपये में, आते टाइम वापस से बैटरी वाले में आ रहे 15 रुपये में। तो ये भैया जो है ये ज्यादा नहीं लेते हैं लोगों से, कम लेते हैं। इनका बोलना है भाई किसी का नुकसान भी होना चाहिए और अपने को ज्यादा फायदा नहीं चाहिए। बराबर भाई, तब से चला रहे आप गाड़ी? हमको हो गए 12-13 साल हो गए।
खैर चलो अल्लाह आपको बरकत दे। मुंबई से लखनऊ आने के लिए पुष्पक ट्रेन सबसे बेटर है क्योंकि वहां से निकलती है मॉर्निंग में 8 बजे और यहां सुबह 8 बजे पहुंच जाती है। आप दिन भर अपना एक्सप्लोर करके घूम फिर के रात की ट्रेन पकड़ के रिटर्न मुंबई जा सकते हो, जिसका फेयर है कुछ 600 रुपए, रिटर्न का हो गया 1200 रुपए और उसमें वेज खाना मिल जाता है आपको 150 रुपए में, नॉन वेज 250 रुपए में। दो टाइम आप खाते हो वेज तो 300 और रिटर्न का 600, 1200 रुपए फेयर के हो गए और 600 रुपए खाने के हो गए, 1800 रुपए, 200 रुपए यहाँ ऑटो के हो गए, 2000 रुपए में आप घूम सकते हो मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई। तो गाइज मुझे आने में स्टेशन थोड़ा लेट हो गया है, फैमिली मेरी सारी वेटिंग रूम से निकल के प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ चुके हैं ट्रेन के इंतजार में, तो अब जल्दी से चलता हूँ मैं भी वरना पता चला ट्रेन निकल गई और बाद में मुझे ट्रेन के पीछे भागते हुए जाना पड़ रहा है। सो गाइस चलो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, अब इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे बरेली। वो देखो ये ट्रेन आ चुकी है और बस जल्दी से इसमें बैठना है और भागना है। अरे ये क्या शॉट है इसके डब्बे नाम है ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये हमारी ट्रेन नहीं हो सकती, इसमें तो डब्बे नहीं है, बैठेंगे कहाँ इसकी छत पे, ये नहीं हो सकती। अब तो आ गई फाइनल, आ गई फाइनल, आ गई वो देखो ट्रेन तो फाइनल आ गई है, लेकिन यहाँ स्टेशन पे कोई सुविधा नहीं, मालूम नहीं S121 कहाँ लगने वाला है, कोई सिस्टम नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं कि हमारा कोच का है। तो गाइस अब सीन ऐसा है कि उतरने वाले तो बरेली थे, मगर लोगों ने बोले कि बरेली से 2 स्टेशन पहले पीताम्बरपुर करके एक स्टेशन है वहां उतर जाओ, वो हमारे मामू के घर से नजदीक है। तो ये जो ट्रेनें जा रही है, जो अंधेरा दिख रहा है ना, ये पीताम्बरपुर की कहानी है। वो देखो पीताम्बरपुर स्टेशन हो रखा है, लाइट वाइट कुछ है ही नहीं, बिल्कुल लाइटें चली गई है और ना कुली है, ना पानी का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम, कुछ भी नहीं हो रखा है ऊपर। अब वो कैसे ना मालूम है, देखो दुनिया के अंदर है ना जितने भी भाई लोग हैं ना, वो चाहे किसी शहर के, किसी मुल्क के, किसी भी दुनिया में किसी कोने के होंगे, उनको पता होता है कि उनकी जो बहन लोग रहती है ना, तो वो धरती के ऊपर थोड़ा बहुत तो बोझ रहती है, वो धरती पे भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा होती है। तो ऐसे कुछ मेरे साथ भी है। ये देखो, ये आइए देखो। तो ये भी धरती पे भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा हो गई और इसके वजन से ट्रेन स्लो हो गई और ट्रेन फिर 3 घंटा लेट हो गई, तो हम लोग 3 घंटा लेट पहुंचे। तो अब ये देखो, ये आई बेचारी, ये पहली बार आई है, ये देखो ये सोनू की बहन, ये इसकी अम्मी, और ये देखो सोनू को दिया सोनू, ये देखो सोनू, ये देखो ये सोनू। तो खैर जो भी है पहुंच गए और इंशाल्लाह सही सलामत यहाँ रहेंगे भी और वापस जाएंगे भी। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर नहीं पसंद आया हो तो फिर तो कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए यही एंड करते हैं, सो बाय।